हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा आप जानते हैं इस चैनल में फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर की जाती हैं और हमेशा की तरह फाइनेंशियल लर्निंग में फाइनेंशियल एजुकेशन का टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है जो हर एक इंसान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है और जिसे जानने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो भी चौंकाने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ पे पॉवर्टी रेट यानी गरीबी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अफगानिस्तान 97%, लाइबेरिया 52%, इथोपिया 68.7%, नाइजीरिया पॉवर्टी रेट है 63%, माली में पॉवर्टी रेट है 80%। यही नहीं, ऐसे और भी देश हैं, युगांडा, नामीबिया, जमैका, लीबिया, बुरुंडी, साउथ सूडान, नाइजीरिया और भी साउथ अफ्रीकन नेशन, इन सब में पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह आती है कि 90% लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो चाहते भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम में मैंने दो वीडियो पहले भी बनाई हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए हैं, तो दोस्तों उन वीडियो को भी देखना ना भूलें इस वीडियो के बाद। उनके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आखिर चाहने के बाद भी लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका कारण है नॉलेज की कमी। और दोस्तों, आप में भी बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज की इस फाइनेंशियल वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझाने के लिए जिस बुक की हेल्प ली है उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंट सेबेटियर। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर आप इस बुक को सही में पढ़ना चाहते हो। तो प्यारे दोस्तों, इस बुक में काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम को समझाया गया है। अगर बिना बुक को पढ़े आप इस बुक में लिखी बातों को अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखें अंत तक, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन सा पर्सन फाइनेंशियली फ्री कहलाता है। तो दोस्तों, जिस इंसान की पैसिव इनकम इतनी होती है कि जिससे उसके सारे खर्चे चल सकते हैं, तो उसे ही फाइनेंशियली फ्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का मंथली खर्च 30,000 रुपये है और आपका पैसिव इनकम 30,000 से ऊपर है, यानी कि आपके बिना काम किए आपके अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हो जाते हैं या आ जाते हैं, तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो। एक और डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की, जिसको आप नीचे दिए गए लिंक में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऑथर ग्रैंट सेबेटियर के पास 25 साल तक की उम्र में कुछ भी नहीं था, तो वो काफ़ी परेशान और डिप्रेस रहा करते थे, लेकिन 30 साल की उम्र में दोस्तों वो पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। तो दोस्तों, उन्होंने कैसे 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया, वो सीक्रेट इस बुक में बताया गया है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूँ। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। तो दोस्तों, किसी भी इंसान को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 7 अलग अलग फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप लोग भी केवल 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो 7 फेजेस को अच्छे से समझें। सबसे पहला फेज आता है क्लैरिटी। जी हाँ, सबसे पहला फेज है क्लैरिटी। दोस्तों दुनिया के 90% से ज़्यादा लोगों के पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती है फ्यूचर में उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए या कैसी लाइफ वो चाहते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सारे लोग प्रेजेंट में ही मौज मस्ती करने में अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, सैलरी मिलते ही उसे उड़ा देते हैं और पैसे को सेव एंड इन्वेस्ट करने का कभी नहीं सोचते हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते जब वो रिटायरमेंट की एज में पहुंचेंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस स्टेज में हमें सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो और फ्यूचर में तैयार होने के लिए आप लोगों को कितने पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों, आपको एग्जैक्ट नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए, ताकि आपकी पूरी जिंदगी अपने टाइम को बेचकर काम ना करना पड़े। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी करंट सिचुएशन पर और आप किस एज में रिटायर होना चाहते हो। यदि आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि फ्यूचर में रिटायर होने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो ये फॉर्मूला ऑथर ने बताया है, इसको अपनाकर बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, तो दोस्तों
आपको कुछ भी नहीं करना, आपके जितने एनुअल एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो एनुअल यानी साल के जो खर्चे हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक साल का खर्चा 6 लाख है तो आपको 6 लाख को 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके अनुसार आपके पास 15 करोड़ होने चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अमाउंट हर एक के लिए बदल सकता है, यानी कि हर किसी के खर्चे अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबके खर्चे अलग अलग होते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने खर्चे के अकॉर्डिंग ही इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे फेज की ओर जो है सेल्फ सफिशिएंसी। तो दोस्तों जब आप इतना पैसा कमाने लगो कि आपको अपने डेली खर्चों के लिए सोचना ना पड़े तो फिर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए अगला स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि अभी आपकी करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी इनकम कितनी है, आपका खर्चा कितना है, आपके पास सेविंग कितनी है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है। आप अपने सारे कैश फ्लो का हिसाब किताब सही से रखें, देखें आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। प्यारे दोस्तों एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो पैसे बनाकर आपकी जेब में डालती हैं, और जो चीज़ें आपकी जेब से पैसे निकाल रही हैं वो लायबिलिटीज़ हैं। ऑथर का मानना है कि हमें हमेशा अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें अपने गोल तक पहुँचने के लिए और कितना सफ़र तय करना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले फेज की ओर जो है ब्रीदिंग रूम। प्यारे दोस्तों अगर आपको अभी ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो इस समय, आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की ओर अपना अगला कदम उठा सकते हो, जो कहलाता है ब्रीदिंग रूम। जब हम इस फेज में पहुँच जाते हैं तो हमें मंथली सैलरी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि तब तक आप अपनी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट कर लेते हो कि आपकी सैलरी कुछ टाइम के लिए आनी बंद भी हो जाए फिर भी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर आपको पता चल जाता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितना सफ़र तय करना बाकी है तो आप उसे तय करने के लिए एक्शन लेना तय जरूर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी स्पेंडिंग यानी खर्चा को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आप पैसा अर्न करते हो तो आप अपना टाइम बेच रहे होते हो, और जब आप अपना पैसा कहीं स्पेंड करते हैं तो इनडायरेक्टली आप सामान के बदले अपने टाइम को बाय करते हो। इसलिए पैसे खर्च करने से पहले खुद के कुछ सवाल जरूर पूछें, जैसे कि क्या आपके पास इसे खरीदने के लिए पूरे पैसे हैं, ये खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है, इसको खरीदने से आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, इसको खरीदने के लिए आपको अपना कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा, क्या उसे खरीदने से आपको कोई खुशी मिलेगी। जब आप ये सारे सवाल खुद से पूछते हो तो आप ये अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी मेहनत का पैसा कब और कहाँ खर्च करना चाहिए। चौथा है स्टेबिलिटी। प्यारे दोस्तों इस फेज़ में आने के बाद आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाते हो, यानी कि आपके ऊपर कोई भी डेट नहीं होता है और आपको अपने खर्चे के लिए किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज़ में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से कई गुना ज़्यादा होती है। बेसिकली जब किसी इंसान के पास इतना पैसा जमा हो जाते हैं कि इनकम बंद होने के बाद भी वो 6 महीने अच्छे से सर्वाइव हो सके तो वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहलाता है, और वो इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की राह में स्टेबिलिटी के फेज में पहुंच चुका होता है। प्यारे दोस्तों इस स्टेज में पहुंचने के बाद आपको अपने अंदर सेविंग करने की एक बढ़िया सी हैबिट डेवलप करनी होगी। मैक्सिमम लोग छोटी छोटी चीज़ों में सेविंग करते हैं, लेकिन ऑथर का मानना है हमें छोटी छोटी चीज़ों में सेविंग करने की बजाय हमें इन 3 चीज़ों में सेविंग करनी चाहिए। पहली है हाउसिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है फूड। दोस्तों यही वो 3 चीज़ें हैं जिनमें इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होते हैं, और इन 3 चीज़ों में सेविंग करने के बाद हम अपनी इनकम 20% तक बचा सकते हैं। अगला फेज आता है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों इस फेज में आने के बाद आपको अपना पूरा ध्यान अपने उस काम में लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपके पास इतनी सेविंग हो जाती है जिससे आपकी इनकम 2 साल तक बंद होने के बाद भी आप 2 साल तक आराम से जी सकते हैं। एक तरह से आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हो, और अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अगला स्टेप लेना चाहिए। आपको अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना चाहिए, जॉब के साथ साथ
आप अपने साइड इनकम सोर्सेज भी बनाएं, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी सैलरी बढ़ाने पर फोकस करें। प्यारे दोस्तों, ऑथर कहते हैं हमें अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने तो हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा वहाँ होना चाहिए जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा इनकम होती है, फिर चाहे वो आपकी जॉब हो या बिजनेस। अगला फेज आता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आप चाहो तो पूरी जिंदगी बड़े आराम से बिना काम किए रह सकते हो। अब आपको पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को बेचना नहीं पड़ता, क्योंकि सालों से की गई आपकी इन्वेस्टमेंट अब आपको लाइफ टाइम इनकम देती रहती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं जो एंटरप्राइज माइंडसेट के होते हैं, यानी कि दोस्तों एक ऐसा माइंडसेट जो आपको पैसे कमाने और सेव करने के लिए नए नए तरीके बनाए, ताकि अपनी सेविंग और इनकम का कई गुना बना सको। तो प्यारे दोस्तों, आप भी इस फेज तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको भी अपने अंदर एंटरप्राइज माइंडसेट डेवलप करना होगा। इसके साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगाना चाहिए, हमें अपने इनकम को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इस फेज में पहुंचने के बाद हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आपके पास जितना ज़्यादा इनकम सोर्स होगा, उतनी ही जल्दी आप इस वाले फेज में एंट्री ले पाएंगे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है अबाउंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है ज़्यादा पैसा होना, आखिर क्या है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। फिर वो आंसर देते हुए कहते हैं, जब आप पैसों से ज़्यादा महत्व अपने टाइम को देने लगोगे और आपको पैसे बनाने के लिए अपने टाइम को ना देना पड़े, तब हो जाते हैं आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑथर के द्वारा बताया गया ये फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक स्टेप ऊपर लेकर जाता है। इस फेज में आने के बाद आपके पास अपनी जरूरत से कई ज़्यादा पैसा होता है और आपको कुछ भी लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ना ही प्राइस टैग कभी देखना पड़ता है। अब आपका जहां मन है वहां घूम सकते हो, जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हो और खूब इंजॉय कर सकते हो। आसान भाषा में कहें तो आप आराम वाली जिंदगी जी सकते हो, लेकिन आप ये तभी कर सकते हो जब आप स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना शुरू कर दोगे। क्योंकि ऑथर के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ यही है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, यही है वो 7 फेजेस जिनको अपना कर आप केवल 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे पिन किए गए लिंक में जाकर इसे खरीद सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक से जुड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मनी ग्रेडियंट के साथ। अपने दोस्तों और वेल विशर्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और हाँ, अपने डाउट्स या प्रश्नों को कमेंट करना नीचे ना भूलें। धन्यवाद। मनी ग्रेडियंट फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपके साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।